इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में हर कंपनी नई नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर अपने आप को बेस्ट करने में लगे हुए हैं। लोगों का रुझान भी अब इस इंडस्ट्री की ओर काफी ज्यादा दिख रहा है। ऐसे में आज एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका स्पोर्टी डिजाइन देखकर आप भी अपना होश खो बैठेंगे। जानते हैं वो कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो ईवी मार्केट में धूम मचाए हुए है। बात करें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो उसका नाम है टीवीएस का, जो है टीवीएस का क्रेयॉन, जिसे कंपनी ने साल 2018 में लोगों के सामने पहली बार पेश किया था, लेकिन अब इसे ऑफिशियल तौर पर ईवी मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। टीवीएस अपने नई इलेक्ट्रिक स्कूटर को अब नए अंदाज और स्टाइलिश लुक के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस अट्रैक्टिव रेंज और किफायती दाम के साथ लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी की ओर से इसमें 40 एम्पीयर के लिथियम आयन बैटरी का यूज किया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसे सिंगल चार्ज करने पर 80 से 100 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। इसके बैटरी के साथ साथ 1200 वाट का मोटर जोड़ा गया है। इसमें फुल चार्ज करने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। कंपनी इसे स्मार्ट फीचर के साथ ही लॉन्च करने वाली है। इसमें फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। वही इसमें ब्लूटूथ, यूएसबी चार्जर, एलईडी डिस्प्ले, एलईडी टेल और हेडलाइट, साथ ही नेविगेशन की, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे काफ़ी अच्छे फीचर्स ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लैस है। बात करें कीमत की तो फिलहाल इसके कीमत को लेकर अभी कंपनी की तरफ से तो कोई अनाउंसमेंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक आंकड़े के अकॉर्डिंग ये जो है वो लगभग 1,00,000 से 1,20,000 रुपये की प्राइस के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है।